स्वागत है दोस्तों मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी चैनल का एक और वीडियो में। पिछले हफ्ते मैंने जो मैराथन वीडियो अपलोड किया था उसमें रिस्पांस काफी अच्छा आया है, तो साल में मैं सोच रहा हूँ एक या दो बार ऐसा मैराथन वीडियो जरूर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब चलिए आज के वीडियो में आते हैं। आज का ये वीडियो बेसिकली कुछ ऐसे कैमरा फुटेजेस है जो कुछ घोस्टली ऑकरेंस को दर्शाते हैं। दुनिया के अलग अलग लोकेशन में कैप्चर्ड ये सारे फुटेजेस का सच या झूठ हमेशा की तरह आप लोग ही डिसाइड करेंगे। मेरा काम है प्रॉपर अवेलेबल इंफॉर्मेशन पेश करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। नंबर 5, मूविंग कप। ये वीडियो का लोकेशन है सबर्बन एरिया ऑफ फ्लोरिडा सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सन 2019 में 444 पेज नाम की एक फेसबुक ग्रुप में अपलोड हुआ ये वीडियो बहुत ही फास्ट वायरल होने वाला वीडियो था। दरअसल ये वीडियो को अपलोड करने वाली शख्स थी शैनन कोटराइट, और वीडियो में दिखे जाने वाली पतली लड़की खुद शैनन ही है। अकॉर्डिंग टू शैनन, वीडियो में उसके साथ उसकी बहन रॉबिन भी मौजूद थी और दोनों एक ड्रिंकिंग गेम खेल रही थी और साथ में टेबल पे मौजूद कप्स को लेके ट्रिक्स भी कर रही थी। लेकिन अनजाने में ही सही ये वीडियो में कुछ घोस्टली ऑकरेंस या पैरानॉर्मल इवेंट्स कैप्चर हो जाता है। वीडियो के शुरुआत में ही शैनन कैमरा एंगल के बाहर एक कप की तरफ पॉइंट करके कुछ बोल रही थी। दरअसल वो कप शायद अपने आप ही रॉबिन के सामने मूव कर रहा था। लेकिन वो कप कैमरा एंगल के बाहर था, तो शायद इसी वजह से हम लोग वो कप के मूवमेंट देख नहीं पाते। उसके बाद फिर से शैनन और रॉबिन ट्रिक्स करने लगती है और चंद मिनट के लिए वो दोनों फ्रेम से बाहर भी चली जाती है। तभी टेबल पर रखे एक कप अपने आप मूव करता है और स्लाइड होके आगे की तरफ खिसक जाता है। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरी वीडियो में वही सेम कप कुछ और बार भी मूव करता है। वीडियो के एक पॉइंट में तो पीछे लगा पर्दा भी अपने आप स्लोली मूव करता है, मानो कोई पर्दा को खींच रहा हो। फुटेज में खासियत ये था कि शैनन ने बहुत बार वो कप को फ्लिप कर रहा था, और क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस शॉट फुटेज था तो कप के ऊपर स्ट्रिंग्स अटैच करना मुश्किल था, तो ये फेक या होक्स होने का चांसेस मेरे ख्याल से कम है। वीडियो से ये बात भी पता चलता है कि जब ये इवेंट्स हो रहे थे तब शैनन और रॉबिन दोनों ने ही ये बात नोटिस नहीं किया, क्योंकि उनके रिएक्शन आया ही नहीं, और शैनन ने भी ये बात वीडियो के कमेंट्स में बताया था। सिर्फ ये ही नहीं, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में शैनन ने ये भी लिखा था कि घर के कुछ लैम्प्स खुद से ही गिर गए और कुछ दिन बाद एक स्पीकर भी अपने आप ऑन और ऑफ हो रहा था, जबकि वो प्लग्ड इन भी नहीं था। मजबूरन शैनन ने एक प्रिस्ट को बुला के जनवरी 2020 में उस घर का बैप्टाइजेशन या प्यूरिफिकेशन किया। अभी असलियत क्या है ये तो शैनन ही बता सकती है। मेरे मुताबिक शायद ये क्लिप जेन्युइन है। नंबर 4, घोस्ट कॉट ऑन डैश कैम। एलिस इन वंडरलैंड 74 नाम की एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ ये वीडियो एक बहुत ही अजीब और ट्रूली मिस्टीरियस वीडियो फुटेज है। यूनाइटेड स्टेट्स के जॉर्जिया काउंटी के इंटरस्टेट 82 हाईवे में लिया गया ये वीडियो बेसिकली एक ट्रक में इंस्टॉल डैश कैम से कैप्चर हुआ था। ये वीडियो शॉर्ट है, लेकिन वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये ऑलरेडी मिस्टीरियस वीडियो में और भी ज्यादा मिस्ट्री ऐड कर देता है। वीडियो में व्हाइट कपड़े पहने हुए एक मिस्टीरियस वुमन फिगर को रोड के साइड में देखा जा सकता है, और जब ट्रक उस औरत के और भी नजदीक जाता है तो वो औरत स्लोली पैदल ट्रक की तरफ चलने लगती है। ऐसा लग रहा है वो औरत ट्रक के नीचे आ गया हो। क्लिप यहीं पे अचानक एंड हो जाता है, लेकिन एज पर वीडियो डिस्क्रिप्शन इस इंसिडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक साइड पे रोका, लेकिन उस एरिया में और रोड में ट्रक ड्राइवर को ना तो कोई बॉडी मिला और ना ही कोई खून की एक धब्बा भी। फिर भी ट्रक ड्राइवर ने खुद से पुलिस को कॉल किया और ये पूरी घटना की डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन पुलिस वालों का जवाब था ये सिचुएशन यूनिक नहीं है, और पुलिस ने ये कोट किया कि मेनी सच कॉल्स हैड कम इन ऑल रिगार्डिंग दैट वेरी सेम स्पॉट। मतलब और ड्राइवर्स के साथ भी उसी जगह पे ये सेम इंसिडेंट हो चुका है, और ये टेरर ऑफ घोस्ट वुमन आज भी जॉर्जिया के इंटरस्टेट 82 हाईवे में बरकरार है।
आप चाहते हैं तो गूगल में जॉर्जिया हाईवे घोस्ट या इंटरस्टेट 82 घोस्ट वुमन सर्च करके न्यूज़पेपर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये फेनोमेना के ऊपर सिर्फ यही एक लौता वीडियो एविडेंस है। नंबर 3, शैडो फिगर इन हरी। ये वीडियो फेसबुक के डू यू बिलीव इन द अनएक्सप्लेन्ड नाम की एक पेज पे अपलोड हुआ था और वीडियो लोकेशन है अर्जेंटीना के कॉर्डोबा शहर के मार एल प्लाटा में स्थित क्रूज हॉस्पिटल। बेसिकली ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसको आज भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सीसीटीवी हॉस्पिटल के एक एम्प्टी हॉलवे को फोकस कर रहा था और हॉलवे पूरा खाली था, लेकिन अचानक से एक ब्लैक शैडोई फिगर हॉलवे के आखिरी छोर पे अपीयर होता है और बहुत फास्ट जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस भी चला जाता है, मानो वो बहुत जल्दी में था। ये शैडो देखने में एक छोटे बच्चे जैसा लगता है। ये शैडो हॉलवे कॉर्नर में अपीयर होता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ये शैडो अपीयरेंस में उतना शॉकिंग नहीं था, लेकिन जितना क्विकली ये अपीयर और डिसअपीयर होता है ये काफी शॉकिंग था। दुनिया के कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये फुटेज के ऊपर आज तक रिसर्च कर रहा है, लेकिन इतना फास्ट मूवमेंट बहुत एक्सपर्ट्स के लिए भी यूनिक है। ये फेक या हॉक्स हो सकता है या फिर एडिटिंग भी हो सकता है, लेकिन फर्दर प्रूफ अगर नहीं मिलता है तो ये मिस्टीरियस फुटेज का असलियत शायद कभी नहीं जाना जाएगा। आप लोग अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। नंबर 2, घोस्ट विजिट्स व्हाइल स्लीपिंग। ये वीडियो लिल रेड द फैम नाम की यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ था। वीडियो लोकेशन था गोथेनबर्ग शहर, जो कि स्वीडन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। लिल रेड द फैम यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी पैरानॉर्मल वीडियोस है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही अजीब है। अकॉर्डिंग टू वीडियो डिस्क्रिप्शन, गोथेनबर्ग का किसी हॉन्टेड लोकेशन पे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक रात बिता रही थी और हर एक पल को कैप्चर करने के लिए कैमरा सेटअप करके रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी थी। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर को आराम से सोते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अचानक इन्वेस्टिगेटर के सर के बाल को अजीब तरीके से मूव होता हुआ आप लोग नोटिस कर पाएंगे और ये मूवमेंट विंड या फैन की जो मूवमेंट होता है उससे बिल्कुल अलग है। कुछ सेकंड्स के बाद सोते में ही इन्वेस्टिगेटर अपने हाथ से शायद अपना सर खुजाती है, लेकिन तब उसकी हाथ बहुत ही ऑड तरीके से मूवमेंट करने लगती है, जैसे कोई बाहर से उसकी हाथ पकड़ के फोर्सफुली मूव करा रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद फिर से उसकी सर के बाल पहले की तरह मूव करने लगता है, लेकिन इस बार मूवमेंट्स के साथ साथ एक टेरिफाइंग साउंड भी सुनाई देता है। शायद कोई वॉइस कुछ कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू फ्यू शायद वो वॉइस चिल्ला के गेट आउट बोल रहा था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। वीडियो को चलते अचानक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर का रेड लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगता है, मानो कोई मोशन या मूवमेंट डिटेक्ट हुआ हो। डिटेल में तो नहीं, लेकिन ये पूरी वीडियो में पैरानॉर्मल इवेंट्स का होने का दावा जरूर किया जा सकता है। ये पूरी वीडियो के ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग ये वीडियो के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 1, क्रीपी फिगर नियर अ चाइल्ड। ये वीडियो एक टिकटॉक वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये एक खतरनाक वीडियो है। टिकटॉक यूजर क्रेजी टिकटॉक सुक्ति नाम की एक चैनल पे अपलोड हुआ ये वीडियो का लोकेशन है इंडियानापोलिस मिनेसोटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है जो एक बच्चे के कमरे में इंस्टॉल किया गया था। बेसिकली ये नैनी कैम को इन्फेंट क्रिब के ठीक ऊपर इंस्टॉल किया गया था। शुरुआत में बेबी को अपने क्रिब में सोते सोते ही गुलाटियां मारता हुआ देखा जा सकता है। थ्रू आउट द वीडियो क्रिब के ठीक सामने एक डार्क शैडो जैसी चीज को आप लोग नोटिस कर पाएंगे। ये ब्लॉब शेप्ड शैडो इनिशियली अनयूजुअल नहीं लगता, मुझे तो ये एक लार्ज टॉय या पाइल ऑफ क्लोथ्स ऐसा कुछ लगता है, लेकिन अचानक ये शैडो चेंज हो जाता है और एक जोरा चमकता हुआ आंखें उसे शैडो में दिखाई देने लगता है। आंखें चमकता हुआ लाइट्स जैसा लगता है और मानो वो शैडो उस बेबी को ही घूरता रहता है।
क्रीप के राइट साइड में नोटिस कीजिए, एक वेपर लाइक हाथ अचानक उस क्रीप को पकड़ लेता है। यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाता है और छोड़ जाता है सवाल, ये शैडो फिगर क्या था? ये सच में कोई घोस्टली इंसिडेंट था या एडिटिंग का कमाल? बेबी का बार बार गुलाटिया मारने को भी बहुत लोग नेगेटिव एनर्जी होने का प्रूफ भी कह रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव एनर्जी बेबी ठीक ठाक से सो नहीं पा रहा था। आप लोगों को क्या लगता है? तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए, ताकि आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिले और हम लोग ऐसे ही तरीके से हर हफ्ते आप लोगों के लिए नए वीडियो बनाते रहे। और दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़े और जल्दी से जल्दी हम लोग 100K तक पहुँच जाए। उसके बाद मैं ज़रूर फेस रिवील करूँगा। तो जो भी है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।